गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ के लेखक के बारे में हमने पढ़ा था कि लेखक विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को उनका जन्म हुआ था और उनका देहावसान अर्थात निधन 11 अप्रैल 2009 को हुआ था। आज हम इस पाठ के ऊपर अर्थात चैप्टर 11 पाठ संख्या 11 न्याय जो कि है वह एक एकांकी है। आज हम द्वितीय क्लास लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर रोमान 2 लिख देता हूँ ताकि हम आसानी से समझ पाएंगे कि यह हमारी द्वितीय क्लास है। तो आज हम यह न्याय एकांकी पढ़ेंगे, इसका सस्वर वाचन करेंगे, इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसमें निहित भावों को हम समझेंगे। तो बच्चों, यह जो एकांकी है, न्याय एकांकी, इसके दो भाग हैं, यानी एक है पहला दृश्य और दूसरी है दूसरा दृश्य। ओके, देखो पेज नंबर जो है 74, यानी सभी अपने अपने किताब खोल लें और पेज नंबर जो है वह है 74 न्याय। उसमें देखो शुरू में पात्र परिचय दिया गया है, यानी पात्र परिचय यानी इस पाठ में, इस एकांकी में जो जो पात्र हैं यानी कैरेक्टर है ना, जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें हम शुरू में देखते हैं कि उसमें लिखा जाता है कि एक्टर जो है उनका नाम लिखा जाता है, जो एक्ट्रेस है उनका नाम दिया जाता है, जो डायरेक्टर है उसका नाम दिया जाता है, जो विलेन है उसका नाम दिया जाता है। वैसे ही यह एक प्रकार की रंगमंच एकांकी है जिसमें कथित कहानियों के ऊपर लिखा गया यह एक एकांकी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा न्याय, यानी न्याय जो शब्द है ना, न्याय जो शब्द है इसका अर्थ हो गया कि इंसाफ है ना, इंसाफ कि इंसाफ करना, न्याय अर्थात जजमेंट या जज करना, इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना। तो इस पाठ में कुछ पात्र परिचय दिए गए हैं, उसका नाम है सिद्धार्थ। सबसे पहले हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी वे कपिल वस्तु के राजकुमार हैं, यानी जो राजा हैं कपिल वस्तु के उनके पुत्र हैं, तो वे पुत्र होने के कारण वे क्या बन गए, राजकुमार। यानी उस कपिल वस्तु के राजा के बाद जो राजा बनेंगे उनके नाम है सिद्धार्थ, यानी राजकुमार सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कौन है, कपिल वस्तु के यानी कपिल वस्तु राज्य के राजकुमार हैं। देवदत्त दूसरा जो व्यक्ति हैं या दूसरा जो पात्र हैं उनका नाम है देवदत्त। वे कौन हैं, सिद्धार्थ का चचेरा भाई, यानी एक हो गए सिद्धार्थ के पापा यानी सिद्धार्थ के पिताजी और देवदत्त के पिताजी, दोनों एक भाई हैं, लेकिन देवदत्त जो है वे उनके चाचा के भाई हैं यानी अंकल के भाई हैं, और सिद्धार्थ जो है वे राजा के बेटा है। तो दोनों भाई ही लगते हैं यानी सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई लगते हैं। महाराज, महाराज कौन है, देखते हैं कि कपिल वस्तु के महाराज शुद्धोधन एवं सिद्धार्थ के पिता हैं, यानी महाराज कौन है, सिद्धार्थ के पिता भी हैं और कपिल वस्तु के महाराज शुद्धोधन यानी उस महाराज के नाम है शुद्धोधन, यानी सिद्धार्थ के पिता हैं शुद्धोधन। मंत्री यानी महाराज का मंत्री है ना। फिर सखा सिद्धार्थ के मित्र हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, बस सखा यानी मित्र बंधु, सखा कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं। प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल या प्रहरी कह सकते हैं है ना, जैसे कि किसी राजा के दरबार होता है तो उसके द्वार पर दो सेना खड़े रहते हैं, किसी को बुलाना होता है तो वे बुलाते हैं कि अमुक को बुलाया जाए है ना, या फिर जब राजा अपने
सिंहासन पर आने के लिए तैयार होता है तब वे लोग आवाज़ लगाते हैं। जैसे कि हम लोग मुगल राज्य के ऊपर जो टीवी पर सीरियल वगैरह दिखाई देते हैं उसमें देखे जाते हैं कि वे प्रहरी या द्वारपाल या जिसे हम प्रतिहारी कह सकते हैं वे चिल्लाते हैं कि सुनो सुनो सुनो, अमुक राजा पधार रहे हैं, है ना। वैसे ही वह प्रतिहारी का काम है कि वह आवाज़ लगाते हैं कि राजा आ रहा है या कोई दूत आ रहा है। तो यहाँ पर हमने पात्र देखे कि एक है सिद्धार्थ जो कि कपिल वस्तु के राजकुमार हैं, देवदत्त जो कि सिद्धार्थ का चचेरा भाई हैं, महाराज जो कि सिद्धार्थ के पिता भी हैं और कपिल वस्तु के राजा भी है जिनका नाम है शुद्धोधन, राजा के मंत्री भी हैं और सिद्धार्थ के सखा भी हैं यानी दोस्त भी हैं, बंधु भी हैं, प्रतिहारी भी हैं। यह जो पहला दृश्य यानी पहला पार्ट हम कह सकते हैं या फर्स्ट सीन हम कह सकते हैं जिसमें ब्रैकेट में लिखा गया है कि रंगमंच पर राजमहल के पास उद्यान का एक दृश्य, कहने की रंगमंच। रंगमंच किसे कहते हैं? रंगमंच यानी स्टेज। देखते हैं किसी राज्य में हम लोग देखते हैं कि दो साइड में बहुत सारे चेयर लगे होते हैं और बीच में सबसे ऊपर राजा का सिंहासन लगा रहता है जिसमें राजा बैठते हैं। वैसे ही उस सिंहासन के पद को, उस स्टेज को रंगमंच कहा जाता है हिंदी में। तो उस मंच, रंगमंच पर राजमहल के पास उद्यान का एक दृश्य, है ना। उद्यान यानी उस आंगन का, उस सिचुएशन का दृश्य झलक पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। संध्याकाल मंच पर लालिमा यानी वे वक्त, यानी वह वक्त कौन सा था? संध्या के समय था, संध्याकाल। मंच पर लालिमा यानी संध्या के वक्त क्या होते हैं? सूरज डूबते हैं किस ओर? पश्चिम की ओर। तो जब सूर्य सारा दिन निकलने के बाद वह जब संध्या के समय पश्चिम दिशा की ओर डूबता है तब हम देखते हैं कि एक लालिमा छा जाती हैं, यानी पश्चिम की तरफ के जो आसमान होते हैं वे लाल हो जाते हैं, सुनहरे रंग के हो जाते हैं, है ना, सॉरी लाल हो जाते हैं और दूर तक वे लालिमा छाए रहते हैं। तो वैसे ही वह संध्याकाल का समय था, मंच पर लालिमा छाई हुई थी, डूबती किरणें चित्र बनाती हैं, यानी कि डूबते किरणें यानी जो सूर्य की किरण जो डूब रहे थे पश्चिम की ओर वह किरणें अपने प्रतिबिंब अपना चित्र बना रहे थे। पुष्प झूमते हैं यानी बागों में या बगीचा में या जो गार्डन था उसमें फूल जो थे वे झूम रहे थे यानी नाच रहे थे। जैसे हम देखते हैं ना कि शाम के वक्त छोटे बड़े बच्चे सब मैदान पर, खुले मैदान में वे खेलने के लिए जाते हैं, खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, घूमते हैं, पार्क में टहलते हैं। वैसे ही वह पुष्प भी शाम के वक्त मानो वे झूम रहे हैं। वन से लौटती गौ का स्वर उठता है, यानी कि वन से यानी जो उस राज्य के गौ, गौ यानी गाय, बैल यानी काव जो हैं वे सुबह निकल जाते हैं चरने के लिए, वन की तरफ चले जाते हैं। सारा दिन वहाँ पर विचरण करने के बाद, घास खाने के बाद, चरने के बाद वे जब वापस लौटते हैं तो वे आपस में कलगी करते हुए वे स्वर निकालते हैं, अम्बा अम्बा, है ना। वैसे ही वे गाय जो है वह अपने स्वर निकालते हुए वे अपने घर को वापस लौट रहे हैं। पक्षी विदागान गाते हैं और जो पक्षियां हैं वे विदागान यानी सूर्य को विदा कर रहे हैं, यानी अलविदा, सूर्य को अलविदा कर रहे हैं कि आज के लिए सूर्य को बाय बाय, टाटा, है ना, कल फिर मुलाकात होगी, यानी कल सुबह अगर हम जिंदा रहें तो कल हम फिर से मुलाकात करेंगे सुबह। तो वे पंछियां विदाई गीत गाते हुए सूर्य को अलविदा कह रहे हैं, विदा दे रहे हैं।
उद्यान में इस समय कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन से एक बेदी पर बैठे हैं, साथ ही एक सखा भी हैं। कहने की वही उद्यान यानी उस वन में, उस बगीचा में, उस फुलवारी में, उस गार्डन में कपिल वस्तु के जो राजकुमार हैं, जिनका नाम मैंने क्या बताया था, यस सिद्धार्थ, यानी कपिल वस्तु के जो राजकुमार हैं सिद्धार्थ, वे शाम के वक्त अपने उपवन में यानी बगीचा में वे घूम रहे थे, अपने मन को प्रसन्न कर रहे थे। और एक बेदी पर, बेदी यानी एक ऊंचा कुछ मिट्टी के बना हुआ या कुछ लकड़ी के बना हुआ बेंच कह सकते हैं, या कुछ बैठने के बोल सकते हैं, उसमें वे बैठे हुए हैं। और उनके साथ कौन है, एक सखा है, यानी सखा अर्थात एक बंधु, उनके एक दोस्त हैं, एक मित्र है उनके साथ ही, वह भी वहीं पर बैठे हुए हैं। वे दोनों बातें कर रहे हैं, वे दोनों उस उपवन में, उस उद्यान में, उस वन में वे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टहल रहे हैं, बैठे हुए हैं, है ना। तो यह हो गए उस रंगमंच का दृश्य, यानी उस वातावरण का दृश्य कि सूर्य डूबता हुआ दिखाई देता है और अपनी किरणें लाल रूपी लालिमा छाई हुई है, पुष्प झूम रहे हैं, गाय लौट रहे हैं अपने घर को, पंछी जो हैं वे विदा गीत गाते हैं, विदाई का गीत गाते हैं, सूर्य को विदा करते हैं। और कपिल वस्तु के जो राजकुमार हैं सिद्धार्थ, वे उसी उद्यान में, उसी वन में, उसी बगीचा में वे एक बेदी पर बैठे हुए हैं, उसके साथ उनके सखा भी हैं, मित्र भी हैं, और वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे क्या बात कर रहे हैं, देखो सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ कह रहा है, यानी जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है ना सिद्धार्थ, यानी पूरे डीप ब्लैक कलर में लिखा गया है सिद्धार्थ, यानी वे जो लाइन है वे सिद्धार्थ कह रहा है। फिर उसके बाद आ जाएगा सखा, यानी सखा कह रहा है। तो आगे की क्रम हम लोग देखते हैं कि सिद्धार्थ जो है वे कहता है कि देखो मित्र कैसा सुहावना समय है। वे सिद्धार्थ जो है वे अपने मित्र, अपने सखा, अपने दोस्त से कह रहा है कि देखो मित्र कैसा सुहावना समय है, यानी कितना सुंदर सुहावना, यानी कितना सुंदर समय है, कैसी शांति है, यानी चारों तरफ शांति ही शांति छाई हुई है। पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को आतुर हैं, और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही हैं। कह रहे हैं कि उस उद्यान में, उस वन में, उस फुलवारी में जो गैया अब चरते हुए अपने घर को जा रहे हैं, वह अपने बछड़ों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बछड़ों के साथ मिलने के लिए वो उत्सुक हो रहे हैं, इसलिए दौड़े दौड़े हुए घर की ओर जा रहे हैं। और पंछियाँ जो हैं वह भी चहचहाते हुए, गाना गाते हुए, चिचिहाते हुए वे अपने जो घर होते हैं, जो जिसे हम क्या कह सकते हैं कि उनका नेस्ट जो होता है, उसमें वे जा रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए वे वापस लौट रहे हैं अपने घर को। तो सखा कहता है हाँ कुमार, कुमार यानी राजकुमार, कि वे कह रहे हैं कि हाँ सखा, हाँ कुमार आपने ठीक बोला, सुनो बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं, यानी जो छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं, बछड़े हैं, वे भी अपने माँ को आवाज़ लगा रहे हैं अम्बे अम्बे, और जो गाय हैं वह भी अपने बछड़ों से, अपने बच्चों से मिलने के लिए वह भी आवाज़ लगाते हुए एक दूसरे को पहचानते हैं और वे जाते हैं। भला कुमार ये कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माताओं के घर लौटने का है। वे सखा जो हैं वे अपने मित्र, अपने दोस्त राजकुमार सिद्धार्थ से यह पूछते हैं कि वह गाय, वह पंछियाँ कैसे जानते हैं एक दूसरे को मिलने के लिए कि उनके मिलने का समय आ गए हैं, यानी सारा दिन वे आवाज़ नहीं लगाते, वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, घास चढ़ने में, दाना चढ़ने में,
वे दाना को चुगने में वे व्यस्त रहते हैं, तब वे चिचिहाते नहीं हैं, वे बोलते नहीं हैं, परंतु जैसे ही संध्या के समय होते हैं वह चिचिहाने लगते हैं, आवाज़ निकालने लगते हैं, क्योंकि उनका अपने बच्चों के साथ, अपने बछड़ों के साथ मिलने का समय हो जाता है। तो वही सखा जो है वह अपने दोस्त सिद्धार्थ अर्थात राजकुमार से वे प्रश्न करते हैं कि भला इनको कैसे ज्ञात हो जाता है, भला इनको कैसे यह महसूस होता है कि अभी हमारे अपने बच्चों से, अपने माँ से मिलने का समय हो गया है या घर लौटने का समय हो गया है। तो सखा के सवालों का जवाब सिद्धार्थ यानी राजकुमार दे रहे हैं कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें भूख अपने आप लग जाती है। सिद्धार्थ अपने सखा, अपने बंधु को समझाते हुए या उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल 16 आना सही है, कि यह कैसे जानते हैं कि उनके अभी मिलने का समय हो चुका है। जैसे कि जब हमारे पेट में भूख लगते हैं यानी हमें जब खुदा लगते हैं तो उस वक्त हमें भोजन का याद आना आ जाता है और हम भोजन के लिए चले जाते हैं, वैसे ही उनका भी सारा दिन का खाना जब पच जाते हैं, शाम को जब वे भूख लगते हैं तो उसी समय वे अपने माँ को, अपने बच्चे को याद करते हैं। माँ को यह ज्ञात रहता है कि उनके बच्चों को भूख लगी है, बच्चे को भी अपने माँ को बुलाने का एक प्रक्रिया है जिसमें वे समझते हैं कि शायद माँ भूल गई कि अपने बच्चे भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं, इसलिए दोनों आपस में बुलाते हैं आपस से मिलने के लिए। तो सखा कहते हैं कि हाँ कुमार, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। कह रहे कि हाँ सखा यानी मित्र जो हैं वह सिद्धार्थ से कहता है कि हाँ तुमने सच कहा कि जब हमें भूख लगते हैं तो हम खाना खाने के लिए जाते हैं, हमें जब नींद आती है तो हम सोने के लिए जाते हैं, वैसे ही उन बच्चों को भी, उन माओं को भी यह एहसास होता है, यह महसूस हो जाता है कि उनके बच्चों को खाना खिलाने का समय हो गया है या बच्चों को यह याद आ जाता है कि उनके खाने का वक्त हो गया यानी उन्हें भूख लग गया है। सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो जाता है मित्र, बड़े अचरज की बात है। सिद्धार्थ अपने सखा से, अपने दोस्त से कह रहे हैं कि यह भला कैसे हो जाता है, अर्थात हम तो इंसान हैं, हम बोल पाते हैं, जब हमें भूख लगते हैं तो हम माँ माँ को बुलाते हैं, पापा पापा करके बुलाते हैं, है ना, लेकिन यह तो जानवर हैं, भला इनको कैसे पता कि इनको भूख लग गए हैं और इन्हें अब मिलने का समय हो गया है। सिद्धार्थ भी यह अचरज में पड़ जाते हैं कि भला इन जानवरों को कैसे पता चल जाता है। सखा भी कहता है कि अचरज तो है ही, सखा भी सिद्धार्थ के हामी में हामी भरते हुए यानी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि हाँ अचरज तो है ही, यानी आश्चर्य की बात तो है ही। देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सखा जो है वह कहता है सिद्धार्थ से कि देखो ना सखा, बड़ी अचरज, बड़ी विचित्र बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक सुबह, हर एक दिन हर सुबह सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलता हुआ शाम को पश्चिम दिशा की ओर डूब जाता है। जैसे हमारी भी डिसिप्लिन होता है ना, हमारा भी टाइम टेबल होता है कि सुबह 4 बजे सोकर उठना, उठकर मुंह हाथ धोकर पढ़ना लिखना, अपना काम करना, फिर नहा धोकर खाना वाना खाकर स्कूल जाना विद्यार्थियों का, और जो जॉब करते हैं वे उनके दफ्तर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, फिर शाम होते ही वह अपने घर को वापस आते हैं, फिर नहा धोकर खाना वाना खाते हैं, अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, यानी वैसे ही वह सूर्य भी अपने समय के अनुसार वे निकलता है और समय के उपरांत वे डूब जाते हैं। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय शुरू होती है, पानी भी प्रतिवर्ष नियत समय पर बरसता है,
ऐसा मालूम होता है हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। पक्षियों के उड़ने की फरफराहट कि सिद्धार्थ कहता है कि हाँ, अपने सखा की बातों में हाँ हाँ से हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, अचरज की बात तो है ही। देखो ना, प्रत्येक साल यानी प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर गर्मी के मौसम में वे उसी समय गर्मी आते हैं और ठीक गर्मी गुजर जाने के बाद अपने समय पर बरसात के मौसम भी आ जाते हैं और वर्षा अपने नियत रूप से अपने नियति समय से वह बरसता है और फिर वह भी चला जाता है। उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि वह उनका एक स्वभाव है यानी उनका एक हैबिट है या फिर उनका एक डिसिप्लिन यानी उनका एक टाइम टेबल हो गया है। तभी अचानक से पक्षियों की उड़ने की या फरफराहट की आवाज़ सुनाई देता है ना? यानी जब दोनों सिद्धार्थ यानी कपिल वस्तु के राजकुमार जो हैं वह और उनके सखा के बीच बातें होते होते अचानक से वहाँ किसी पंछी के उड़ने की या फरफराने की आवाज़ सुनाई देता है यानी छटपटाने की, फरफराना यानी छटपटाने की आवाज़ सुनाई देता है तो वे दोनों चौंक जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने यह जो हिस्सा यानी फर्स्ट पेज जो हमने पढ़ा इस एकांकी का, न्याय एकांकी के, जिसमें हमने देखा कि इस न्याय एकांकी के जो पात्र हैं वह है एक सिद्धार्थ जो कि कपिल वस्तु के राजकुमार हैं, फिर सखा हैं, सिद्धार्थ के सखा यानी मित्र हैं, फिर देवदत्त हैं जो सिद्धार्थ के चचेरा भाई हैं, महाराज हैं जो कपिल वस्तु के महाराज राजा हैं जिनका नाम है शुद्धधन जो कि सिद्धार्थ के पिता हैं, मंत्री भी हैं, प्रतिहारी भी हैं। इसमें हमने रंगमंच का दृश्य भी देखा। अब आगे की क्लास में हम आगे के हिस्सा पढ़ेंगे कि वह पंछियों के फरफराना कौन से पंछी है, वह मोर है या फिर काक है या फिर कोई दूसरे पक्षी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।